हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 में आपका प्रतिलोम फलन है। 1.1 में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है और आपको मैं अपनी वीडियो के अंदर वो सारी चीज कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका प्रतिलोम फलन। ठीक है, प्रतिलोम फलन में सबसे पहले प्रतिलोम फलन होता क्या है, कैसे मानों को अपन निकालते हैं, इससे क्या रिलेटेड चीजें हैं, वो आपकी क्लास 11 की प्रश्नावली 2 के अंदर है। ठीक है, उसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट आपका एक एकी फलन, एक एकी फलन, एक एकी फलन क्या होता है, जैसे हमारे ये दो समुच्चय है, 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, ध्यान से सुनना, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध हो। अलग अलग अवयवों का अलग अलग अवयवों से क्या है आपका संबंध, ये क्या कहलाता है आपका ए की फलन। ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन इसी को पहले। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट में आपका बहुएकी फलन, बहुएकी फलन, बहुएकी फलन क्या होता है आपका, जैसे वही सेम हमारे दो समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय बी, 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी, एक का एक से, दो का बी से, तीन का बी से और चार का सी से, दो भिन्न भिन्न अवयवों का, दो भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही अवयव से संबंध हो, दो और तीन दोनों का संबंध कैसे है बी से, दो और तीन दोनों का संबंध बी से है, तो ये क्या कहलाता है आपका बहुएकी फलन। कैसा फलन कहलाता है हमारा, बहुएकी, एक एकी और बहुएकी। ठीक है, दो और होते हैं आपके, तीसरा होता है आपका आच्छादा, आच्छादा फलन, आच्छादा फलन में क्या होता है, आच्छादा फलन समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय बी का, ये जो हमारा समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी का कोई भी अवयव, एक भी ऐसा अवयव खाली नहीं होना चाहिए। खाली का मतलब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए से संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ए का एक से, बी का दो से, तीन का सी से और चार का डी से, यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका कैसा फलन होगा, आपका आच्छादक फलन। फिर नेक्स्ट आता है आपका अंतरछेपी फलन, अंतरछेपी फलन, अंतरछेपी फलन क्या होता है, जैसे हमारे ये दो समुच्चय 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी, एक का एस से, दो का एस से, तीन का एस से और चार का बी सी से, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि समुच्चय बी का एक अवयव खाली है, समुच्चय बी का क्या है, एक अवयव रिक्त है, तो इसलिए ये कैसा फलन है आपका, अंतरछेपी फलन। एक एक में क्या होता है, समुच्चय ए के सारे अवयवों का अलग अलग अवयवों से संबंध है, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है एक एक, समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही अवयव से संबंध है बहुएकी, आच्छादक में समुच्चय बी के एक ही और बहुएकी में ए का मतलब होता है और आच्छादक अंतरछेपी में समुच्चय बी का मतलब होता है, समुच्चय बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिलोम है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंध रख रहा है, ये आपका होगा आच्छादक फलन। और समुच्चय बी का यदि कोई भी अवयव खाली रह गया, एक भी अवयव ऐसा है जिसका यहाँ पर आपका संबंध नहीं है, तो ये आपका अंतरछेपी फलन कहलाता है। क्लियर है आपका, एक ही बहुएकी आच्छादक और अंतरछेपी। प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एक एकी
वाह अच्छा था होना आवश्यक, गलत था, एक ही वाह अच्छा था होना आवश्यक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रतिलोम फलन निकालेंगे कैसे। आप अपने मेन जब आप एक और दो प्रश्न अभी शुरू करेंगे उससे पहले पूरा एक पन्ना छोड़ देना आगे पीछे से, उसके अपन थ्योरी ऑफर कराएंगे। आपकी फेयर कॉपी बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना? थ्योरी मैं आप पे लिखा दूंगा, सवाल आप उसमें करते चलो, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे fx बराबर है आपका 2x प्लस 3, fx बराबर क्या है आपका 2x प्लस 3, तो इसका प्रतिलोम फलन चाहिए उसे। क्या चाहिए इसका? प्रतिलोम फलन। इसका उसे प्रतिलोम फलन चाहिए, क्योंकि वो fx को मानेंगे अपन y। लिख देते हैं अपन, माना fx बराबर y, ये f उधर चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका f इनवर्स y, ठीक है ना? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि fx बराबर है आपका 2x प्लस 3 के, y बराबर हो गया आपका 2x प्लस 3, y माइनस 3 बराबर हो गया 2x, और x बराबर हो गया y माइनस 3 बटे, x का मान y माइनस 3 बटे 2, और x का ये बराबर है f इनवर्स y, y माइनस 3 बटे 2, ठीक है ना? ये क्या बन गया हमारा प्रतिलोम फलन। ये प्रतिलोम फलन कह रहा था, बहुत सरल है। सारे सवाल आपके प्रश्न देख पाऊँ तो इसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसको अपन देखते हैं। देखो प्रश्नावली एक पॉइंट, पहला सवाल ए और बी दोनों दे रखे हैं, ए है आपका 1 2 3 4, बी है आपका ए बी सी, तो ए से बी में चार एक ही आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए और उनके प्रतिलोम फलन भी याद कीजिए। ये आपसे चार निकलवा रहा है, दो मैं निकाल रहा हूं, दो आप करेंगे, ठीक है? देखिए भाई, फर्स्ट ए बी 1 2 3 4, ए बी सी, सरल वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको देखना। एक का बी से, दो का ए से, तीन का डी से और चार का, अरे सुनो, एक का ए से, दो का बी से, सॉरी, एक का बी से, दो का ए से, तीन का डी से और चार का समुच्चय ए के, अलग अलग अवयवों के, अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, एक एक ही हो गया। समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिलोम है, यानी समुच्चय बी का कोई अवयव आपका रिक्त नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया आपका आच्छादक। क्या हो गया ये आपका आच्छादक, एक एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो ये फलन बना आपका एफ बराबर 1b 2a 3d 4c, इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? b1 a2 d3 c f, क्या आपका एफ इनवर्स। ओके, आगे समझ में, ऐसे ही आपको आगे सॉल्व करने हैं। एक का डी से, दो का सी से, तीन का बी से, चार का ए से, एक का सी से, दो का ए से, तीन का बी से, चार का डी से, इस प्रकार से बहुत सारे इस मतलब अपन एक ही आच्छादक फलनों को बना सकते हैं और उनका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1।
एक। आगे देखिए, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है फलन है आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस यू, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा, और एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए, एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझा के चलूंगा आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यू माइनस ए, फलन एफ परिभाषित है आपका आर टू आर में, एफ इनवर्स का सूत्र एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 के, ठीक है। देखिए सबसे पहले निकालेंगे अपन ए की, क्या निकालेंगे अपन, अपने बेसिक तरीके से अपन इसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई सबसे पहले रखेंगे f माइनस दो, माइनस दो की घात तीन माइनस तीन, माइनस आठ माइनस तीन माइनस ग्यारह, f माइनस एक माइनस एक का क्यूब माइनस तीन माइनस एक माइनस तीन माइनस सात, एफ जीरो जीरो का क्यू माइनस तीन माइनस तीन, एफ वन वन का क्यू माइनस तीन एक माइनस तीन माइनस दो, एफ दो दो का क्यू माइनस तीन, दो दो चार बने आठ, आठ माइनस तीन गए तो आपके, देखो माइनस दो का संबंध माइनस ग्यारह से, माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो, माइनस दो का संबंध है माइनस ग्यारह से, माइनस एक का संबंध है आपका माइनस चार से, जीरो का संबंध है आपका माइनस तीन से, एक का संबंध है आपका माइनस दो से, और दो का संबंध है आपका पांच से। अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है। तो फलन कैसा है आपका, एक एक कैसा फलन है आपका, एक एक फलन। अभी बात समझ में, अब इसी में मैं बात करता हूँ आपकी आच्छादन, पढ़ चुके हैं अपन क्लास इलेवेंथ में, आपको केवल वो चीज रिपीट करा रहा हूं और कुछ नहीं करा। एफ एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री वाई एक्स क्यू माइनस थ्री वाई प्लस तीन एक्स क्यू एक्स बराबर वाई प्लस तीन का घनमूल, घनमूल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा y प्लस तीन का घनमूल। ध्यान देना y यहां पर एक स्वतंत्र चर है, कैसा चर है आपका, स्वतंत्र। तो y का मान आप r लेंगे, y एप्सिलॉन r लेने पर जब y का मान एक वास्तविक संख्या ली गई, y का मान क्या लिया गया, एक वास्तविक संख्या, तो एक्स एप्सिलॉन आर प्राप्त होता जब वाई का मान में वास्तविक संख्या लूंगा, माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच माइनस दस जीरो एक दो तीन पांच दस अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट पांच एक गुणे दो एक गुणे तीन एक गुणे पांच ऐसे कोई भी आप संख्या लें तो एक्स का मान भी क्या प्राप्त हुआ, एक वास्तविक संख्या, कोई भी आयोटा वाली जैसी संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी। तो अर्थात y का मान एक वास्तविक संख्या लेने पर x का मान भी हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए फलन जो हमारा फलन है वो फलन हमारा आच्छादक
आगे भाषा में फलन आपका एकीकी भी हो गया, फलन आपका आच्छादक भी हो गया, एकीकी आच्छादक। अब आगे चलते हैं अपन प्रतिलोम फलन की ओर, ठीक है ना। इसका प्रतिलोम मान कैसे निकालेंगे, इसी के लिए अपन प्रतिलोम फलन देखिए आप। प्रतिलोम फलन एफ एक्स बराबर है आपका एक्स क्यू माइनस थ्री, एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे वाई, एक्स क्यू माइनस थ्री, वाई प्लस थ्री बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई प्लस थ्री का घन, एक्स बराबर क्या आ गया वाई प्लस थ्री का घन, एक्स बराबर है आपका एफ इनवर्स वाई के, ये हो जाएगा वाई प्लस थ्री का ये सवाल आपका यहाँ पर पूरी एक प्रश्नावली जो है वो आपके तीन नंबर की है, एक नंबर का एक सवाल आता है, दो नंबर का एक सवाल आता है, तो यहाँ से मैक्सिमम केसों में आपका दो नंबर का सवाल बनना है, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझ में आ गई होगी, एकीकी निकाला पहले, फिर आच्छादक निकाला, और फिर क्या आ गया आपका प्रतिलोम फलन। सारी चीजें आपके उन पीडीएफ फाइल में जो मैंने अवेलेबल करवाई है उनमें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। इनके नोट्स बनाइए और सॉल्व कीजिए सवाल, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन आपके दो पार्ट हैं, f r2 नियंत्रक का प्रभावशील है fx बराबर ये, तो सिद्ध कीजिए दोनों स्थिति में f एक एक की आच्छादक फलन है और f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है इसके जैसा, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको स्वयं हल करना है क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ए एक दो तीन चार, बी तीन पांच सात नौ, सी सात तेईस सैतालीस उन्यासी। फलन एफ जो है वो आपका ए टू बी में परिभाषित है, जी जो है वो आपका बी टू सी में परिभाषित है, ठीक है ना। एफ एक्स और जी एक्स दोनों के मान आपके यहाँ पर अवेलेबल दे रखे हैं, तो बॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को तिरंगित युग्मों के रूप में लिखिए। देखो आपको वैसे मैं थ्योरी में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ आपको क्या कि कॉफ इनवर्स जो होता है, कॉफ का जो इनवर्स होता है वो आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होता है। ये हमारा सूत्र है, क्लास में हम इसको प्रमेय के अंदर सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी तो आपको इस बेस पे याद रखना है, इन दोनों में से एक ही चीज को निकालिए, आपके दोनों मान यहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त हो जाएंगे। तो गॉस इनवर्स निकालना है, गॉस इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। देखिए एफ एक्स बराबर है यहाँ पे आपका तो एक्स प्लस के, और जी एक्स बराबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ऑफ एक्स वही प्रश्न एक मिनट निकाल इनवर्स नहीं ऑफ एक्स, इनवर्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऑफ एक्स होगा आपका जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान दो एक्स प्लस ए, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस दो, जी एक्स एक्स स्क्वायर
माइनस फोर। ओके आ रही है समझ में, जी एक्स बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस दो डी, हो गया आपका ऑफ एक्स, क्या बन गया आपका ये ऑफ एक्स। इसको खोलना नहीं है, अलग हो जाएगा ऑफ एक्स आ गया, ऑफ इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है ऑफ इनवर्स। तो देखिए माना ऑफ एक्स बराबर है, ऑफ एक्स का ये बराबर है आपका वाई, इसको अपन निकालेंगे। ध्यान देना ऑफ एक्स तो एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर आपका वाई, तो एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर माइनस दो, वाई प्लस दो तो एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर, आ रही है ना, ये इधर आ जाएगा अंडर रूट वाई प्लस दो तो एक्स प्लस एक अंडर रूट वाई प्लस दो माइनस एक बराबर दो एक्स, भाग लग जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट वाई प्लस दो माइनस एक, अंडर रूट वाई प्लस दो माइनस एक बटे दो, ये काय के बराबर आ गया आपका एक्स के बराबर, काय के बराबर आ गया एक्स के, ठीक है ना। अब एक्स यहां से निकलेगा, एक्स होगा यहाँ पे आपका कॉफ इनवर्स, चला जाएगा ना कॉफ इनवर्स वाई के, ये बराबर हो गया आपका अंडर रूट वाई प्लस दो माइनस एक बटे दो, अभी बात समझ में क्या नहीं आई। यहाँ पर ये क्या बन गया आपका गॉस इनवर्स, सबसे पहले गॉफ एक्स निकाला जी एफ एक्स पूरे को सॉल्व करा जैसे अपन करते आ रहे थे, ठीक है ना। गॉफ एक्स इनवर्स निकालना तो गॉफ एक्स को वाई के बराबर माना, गॉफ एक्स वाई के बराबर रहा आपका, इस पूरे मान को लिया सॉल्व करा, यहाँ पे आपको ये पूरा मान प्राप्त हो गया गॉफ इनवर्स वाई का आ गया मान। अब यहाँ पे आपको ये सी का मान लेना है अर्थात cos इनवर्स सात, एक मिनट बताओ, ये होगा अंडर रूट सात प्लस दो माइनस एक बटे दो, सात और दो नौ, नौ का वर्गमूल तीन, दो दो बटे दो का मतलब तेईस, तेईस और दो पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल पांच, पांच में से क्या चार, चार बटे दो का मतलब दो, सैतालीस और दो उनचास, सात सात में से दिया तो आपके छह, छह बटे दो तीन, सेवेंटी नाइन और दो एट्टी वन, एट्टी वन का वर्गमूल होगा आपका नाइन, नाइन माइनस एक आठ, आठ बटे दो यानी आपको दिखा गया चार। इस प्रकार से ये सारे मान आपके गॉस इनवर्स के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो आपकी ज्यादा लंबी बनेगी फिर अपलोडिंग में थोड़ी हमें समस्या आती है, तो नेक्स्ट में आपके एक पॉइंट हो इससे आगे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।